तो अब मम्मी क्या कर रही है, गुड्डू को लेके गई है मंदिर, और उसमें जो गुड्डू है ना वो सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधने की। अच्छा गुड्डू का स्वागत होगा, तुम कहाँ की राजकुमारी हो? अरे बैग्स लेके सारे शिवम। हेलो, ओ माय गॉड, ओ ये राखियां इन तीनों नमूनों को मैं बांधने वाली हूँ। तो फैमिली आज राखी और अभी गुड्डू 11:30 बजे सो उठी है। हमें अपनी प्रिंसेस को उठने का वेट करना पड़ा ताकि तब हम आराम से फिर रेडी हों, क्योंकि हमारी गुड्डू VIP है ना, सेलिब्रिटी है, तो अब महारानी उठ चुकी हैं। अभी हम उनको गुड मॉर्निंग किस चीज देंगे और उसके बाद गुड्डू को मम्मी निलाएंगी। हमने छुपा छुपा दे दी थी, कुछ छोटे छोटे दे दी थी। अरे मेरे को भी तो किसी देनी है गुड्डू को। तुम रोज करते हो, आज हम करेंगे। सो फैमिली मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुड्डू को रोज कैसे गुड मॉर्निंग किसी देती हूँ। जैसे गुड्डू ऐसे अपने पालने में लेटी होती है, मैं गुड्डू को बोलती हूँ गुड्डू गुड मॉर्निंग, गुड्डू गुड मॉर्निंग। गुड्डू को पता चलता है कि उसकी गुड मॉर्निंग हो गई है, तो गुड्डू को पालने में से उठाते हैं और गुड्डू को हम गुड मॉर्निंग किसी, पजामा इतना लंबा जा रहा है। उसके बाद हम गुड्डू को गुड मॉर्निंग किसी करते हैं। 1, 2, 3, 4 और उसके बाद गुड मॉर्निंग किसी के बाद गुड्डू को गुड मॉर्निंग हल्की भी करते हैं। ऐसे बिठाती हूँ गुड्डू को अपने साथ और ऐसे करती हूँ गुड मॉर्निंग बेटी। गुड्डू आज तो राखी है, गुड्डू की पहली राखी। मेरी मुझे सुबह सुबह परेशान कर दिया, अभी मुझे अच्छी तरह उठने भी नहीं दिया किसी ने। अच्छा परेशान कर दिया, अच्छा चलो थोड़ी सी रेस्ट कर। गुड्डू ये आपका फ्रेंड मिट्टू आपको गुड मॉर्निंग कर रहा है। लो अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग करो, अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग करो। ये आप उसको राखी नहीं बांधोगे मिट्टू को? ये तो आपका अच्छा फ्रेंड है। अच्छा देखो ये आपको पहली करी। हेलो मिट्टू, हेलो मिट्टू। A few moments later. हेलो फैमिली, सो आप सबकी नोबिता भाभी हो चुकी है रेडी साड़ी में। आज है राखी और मैं जा रही हूँ नानी के घर, वहाँ पे अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। तो मैंने बड़ी सुंदर सी साड़ी पहनी है, अभी आपको मेरी हाफ लुक दिख रही होगी, हाफ में आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। वैसे तो मैं थोड़ी मोटी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मोटी हो गई मुझे पता है, लेकिन मैं अपना वेट जल्दी कम करूंगी। अभी बस आप देखते जाओ बस। मैं गुड्डू मेरे को देख के हंस रही है कि मम्मी तो हमेशा ये बोलती है, लेकिन बस खाती रहती है, वेट तो कुछ कम होता नहीं है ना गुड्डू। तो हमारी गुड्डू भी सुंदर सी फ्रॉक में रेडी हो चुकी है। गुड्डू रेडी हो चुकी है, सबसे पहले गुड्डू रेडी हुई है और अभी ये खेल रही है। इसको ना ऐसे टमी टाइम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी आंखों में आपको देख रहे हो तो नींद भी भरी हुई है, तो हो सकता है अभी 15-20 मिनट्स की नैप लेगी। गुड्डू गुड्डू सबको हैप्पी राखी विश करो, हैप्पी राखी फैमिली। वो फैमिली गुड्डू के साथ साड़ी संभालना वैसे तो बहुत मुश्किल है, तो मुझे ना शौक है कि मतलब हर इवेंट पे कोई ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो मेरे को अपना फोटो शूट करवाना होता है, तो हर राखी पे मैं थोड़ा फोटो शूट कराती हूँ। अभी भी मैंने साड़ी पहनी है, मतलब मेनली फोटो शूट के लिए पहनी है कि अपनी 2-3 पिक्चर्स क्लिक कराऊंगी, उसके बाद फिर ना मैं सूट पहन लूंगी। तो अभी हम जाएंगे नानी घर, मैं 2-3 पिक्चर्स क्लिक कराऊंगी और उसके बाद मैं नानी घर जाते ही अपना सूट पहन लूंगी, ताकि मेरे लिए कम्फर्टेबल हो और गुड्डू के लिए भी कम्फर्टेबल हो। हम सारे त्योहार जो होते हैं भगवान के नाम से स्टार्ट करते हैं, तो अब मम्मी क्या कर रही है, गुड्डू को लेके गई है मंदिर, और मतलब हमारे घर का जो मंदिर बना हुआ है, और उसमें मम्मी कह रही है कि जो गुड्डू है ना वो सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधने की, उसके बाद हमारा राखी का त्योहार शुरू होगा। क्यों कान्हा जी को पहले सबसे पहले राखी क्यों बांधते हैं? कान्हा जी सबकी रक्षा करते हैं। गुड्डू की रक्षा करेंगे कान्हा जी? तो कान्हा जी को राखी बांधेगी भाई हमारी गुड्डू है, कान्हा जी को राखी बांधेगी, कान्हा जी की बांछड़ी उतार लेते हैं तो गिर जाएगी गुड्डू से है। कान्हा जी को टीका कौन लगाएगा? गुड्डू। गुड्डू लगाएगी छच्ची। देखो ये है कान्हा जी को लगाएगी गुड्डू टीका, ऐछे ऐछे ऐछे, अब लगाओ जल्दी से ऐछे 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 है। अब हम बांधेंगे गुड्डू, कान्हा जी को राखी बांधेगी। ले गुड्डू ले पकड़, दोनों हाथ ऐसे छीरा, हाथ कौन सा, ए वाला ऐछे ऐछे बांधेंगे, कैसे बांधेंगे, पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो, सारी चीज तो तू पकड़ता रहता है बेटा, इसको पकड़ो। अरे बंद गई बच्चे, मेरा हाथ कुछ याद रहा है गुड्डू बता। कह रही मेरे को मिठाई खानी है ना। अच्छा कान्हा जी को क्या खिलाएगी? खीर। कान्हा जी को खीर अच्छी लगती है ना, ये कान्हा जी को गोल लगाते हैं। जय जय कान्हा जी, खीर खा लो, गुड्डू को आशीर्वाद दो, गुड्डू की रक्षा करो हैं, गुड्डू हमेशा स्वस्थ प्रसन्न रहे, ऐसी माथा देखो ठीक है बच्चे। हैप्पी राखी कान्हा जी। छप्पो बोल दो भगवान जी को, छप्पो हैप्पी राखी है।
कान्हा जी की खीर भोग वाली गुड्डू ने भी चख ली। ओए होए ओए होए अच्छी लगी। ओए होए कैसी लगी? ओल खानी है फैमिली। वैसे तो गुड्डू रेडी हो चुकी थी लेकिन हमें ना कुछ मजा नहीं आ रहा। मतलब हमें लग रहा है कि जैसे आज राखी है तो गुड्डू को थोड़ा सा और सुंदर लगना चाहिए, मतलब और अच्छी फ्रॉक पहनाते हैं। तो गुड्डू की ग्रीन फ्रॉक जो है ना उसको हम चेंज करते हैं। अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम दूसरी फ्रॉक पहनाते हैं, उसके बाद देखते हैं गुड्डू कैसी लगती है। और कान्हा जी को गुड्डू ने राखी बांध दी, अब कान्हा जी हमेशा मेरी गुड्डू की रक्षा करेंगे। गुड्डू हमेशा खुश रहेगी, हमेशा हैप्पी रहेगी। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ गुड्डू के लिए। गुड्डू रेडी हो गई पिंक वाली फ्रॉक पहन के। हाँ, इसमें गुड्डू ज्यादा अच्छी लग रही है हमें तो, है ना गुड्डू? बार्बी डॉल। इसमें गुड्डू बार्बी डॉल लग रही है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, आपको भी अच्छी लग रही है वाली। तो ना हमारा थोड़ा सा मेकओवर रहता था, अभी हमने देखा कि इसका बैंड भी था बैग में, तो हमने इसको हेयर बैंड भी बना दिया। अब लग रही है हमारी गुड्डू बड़ी मस्त। सो फैमिली, अभी बच चुके हैं 3 और अभी हम निकल रहे हैं नानी घर के लिए। इतना लेट हो गया, मतलब आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं माँ बन चुकी हूँ। मतलब पहले हम फिर भी टाइम से निकल जाते थे, आज गुड्डू हुआ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उस चक्कर में मम्मी को लेट हो गया और फिर हम सबको एक साथ लेट हो गया बहुत ज्यादा। अब पता नहीं मामा ने भी कुछ नहीं खाया क्योंकि वो राखी करवाए बिना खाते नहीं है। मम्मी ने भी सुबह से बस चाय पी है, तो अब होपफुली ट्रैफिक ना मिले रास्ते में। मेरे साहब ज्यादा शेड्स लगा के तो ये गुड्डू जो है मम्मी की गोदी में सो रही है, दोनों नानी और नातिन जो दोनों बिल्कुल पिंक में है। और मम्मी मेरे पे गुस्सा कर रही थी, कह रही तेरी वजह से मैं लेट हो गई। मैं साड़ी पहनने वाली थी लेकिन मैं ऐसी पहली बार राखी पे इतनी गंदी बन के आ गई हूँ। तो मम्मी अब अच्छी लग रही है, कोई चिंता नहीं है। गुस्सा आ रहा मम्मी को। गुदरी ने नैप ले ली छोटी जी, नई नई जगह जा रही है आजकल गुदरी तो हमारी। आओ प्रिंसेस। और आशा शिवम भी कह रहा था कि मैं अच्छा नहीं लग रहा है शिवम। सो फैमिली, अभी हम पहुंच चुके हैं नानी के घर। वैसे मेरे 2 मामा हैं तो उनके घर पहले आमने सामने थे लेकिन अब उनके घर पास पास हो गए लेकिन अलग अलग हैं। तो अभी हम दूसरे मामा के आए हैं, तो वो एक जो मेरे मामा है वो नानी को लेने गए हैं घर, तो नानी अब यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा अब गुड्डू का स्वागत होगा। तुम कहाँ थी राजकुमारी हो? अरे बैग लेके सारे शिव। लोग कहते हैं ना कि कोई अच्छी चीज घर में आए तो तेल निकालती है, ये तो साक्षात लक्ष्मी जी आई है। चौखट हमारी गुड्डू, ये कहाँ हो रहा है? आओ मिली नूनी, गुड्डू का आ गई। बोलो नानी है, भी नानी है, छाली नानी है, वो देखने उधर देखने लगे। ओ, ये तो पूरी कलाकार है। और क्या? इसको पते वीडियो बन रही है, पहले मैं अपनी वीडियो बनवा लू, नानी को बाद में देख लूंगी। गुड्डू को अपने मामा मामी और नाना नानी का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। सब बहुत खुश हो गए गुड्डू को देख के क्योंकि गुड्डू को बहुत टाइम बाद देख रहे हैं। नानी की नानी चलो। हाँ आकाश सही कह रहा है, सीक्वेंस वाइज बैठो, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। फैमिली हमारी जो राखी होती है ना भाई बहनों की, वो हर साल बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि हम उसी टाइम मिल पाते हैं, वरना तो सब अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं। और अब तो आपको पता है मैं मम्मी बन चुकी हूँ तो मैं तो बहुत ही ज्यादा बिजी हो गई हूँ। जो मेरी सबसे प्यारी बहन है जो हर साल हमारे साथ होती है पूजा, वो कतर चली गई है तो वो इस बार पहली बार राखी में हमारे साथ नहीं है। पूजा तेरे को हम बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं हम सब। होपफुली आप भाई दूज पे तो आएगी और हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। हेलो ओ माय गॉड, हेलो सूरज। ओ ये राखियां इन तीनों नमूनों को मैं बांधने वाली हूँ, तीनों भाइयों को बांधने वाली हूँ। सुना ही नहीं तीनों में से किसी ने। फैमिली
ये देखो जरा गुड्डू को देखो, पता नहीं इसका ना नींद का टाइम हो गया इसलिए ये थोड़ा परेशान हो रही है। अब आपने सोचा होगा मैं अभी साड़ी में थी, मैंने एकदम से चेंज कर लिया, गर्मी बहुत ज्यादा थी तो मैं सूट लेके आई थी, मैंने सूट पहन लिया और अभी हम जा रहे हैं दूसरे मामा के घर। आकाश जो मेरा भाई है, जो मैंने आपको दिखाया ना बिल्कुल मॉडल दिखता है ये रहा। तो इन्होंने नई कार ली है क्रेटा और आज ही हमें उसमें ड्राइव करवा रहा है। बड़े मजे आ रहे हैं क्रेटा में बैठ के हमें, और गुड्डू को भी बहुत मजे आ रहे हैं ना, और मामी को भी बहुत मजे आ रहे हैं। मिली आप देख रहे हो इतनी मतलब मस्त क्रेटा ब्लैक कलर की, अभी बारिश आ गई थी तो ये थोड़ी गंदी हो गई है, लेकिन मुझे ना एकदम से ब्लैक कलर अच्छा लगने लग गया, पता नहीं क्यों कार्स में। Meanwhile Bye. Bye. Happy Rakhi. Bye. 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 Bye.